हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। तो चलिए आज देखते हैं कि आज मैं हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आज मैंने हिंदी भाषा और साहित्य का अपभ्रंश लिया है। तो अपभ्रंश टॉपिक को आप लोग देखेंगे और इसका प्रश्न कैसे तैयार होगा वो देखते हैं। तो अपभ्रंश किसे कहते हैं और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है और बताना है कि अपभ्रंश किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अपभ्रंश किसे कहते हैं। तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ भ्रष्ट भाषा है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ जो है वो भ्रष्ट भाषा है। अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट भाषा। कालक्रम की दृष्टि से अपभ्रंश का जो काल है वो 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक का है। यह मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था थी। तो जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया है मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में, तो मध्यकालीन आर्य भाषा को तीन भागों में बांटा गया। पहला था पाली, दूसरा था प्राकृत और तीसरा था अपभ्रंश। तो आज हम लोगों को अपभ्रंश के बारे में ही पढ़ना है। पतंजलि, हेमचंद्र, दंडी आदि भाषा शास्त्री की परिभाषाओं के अनुसार जिस भाषा के शब्द संस्कृत के मानक शब्दों से विकृत हो उसे ही भ्रष्ट भाषा या अपभ्रंश भाषा कहते हैं। जिस भाषा के शब्द संस्कृत के मानक शब्दों से विकृत हो उसी भाषा को भ्रष्ट भाषा या अपभ्रंश भाषा कहते हैं। बिगड़ी हुई बोल भाषा जो संस्कृत की से बिगड़ी हुई है उसे ही, जो संस्कृत से भ्रष्ट है उसी भाषा को अपभ्रंश कहते हैं। तथा कथित असंस्कृत विदेशी जातियां गुर्जर, अमीर, जाट आदि जो पश्चिम भारत में बस गई थी उनकी भाषा को अपभ्रंश समझा जाता था। जो गुर्जर, जो जातियां जो उत्तर पश्चिम से भारत में आके पश्चिम के क्षेत्र में बस गई थी जिसमें प्रमुख थी गुर्जर, अमीर और जाट, इनकी भाषाओं को अपभ्रंश कहा जाता था। धीरे धीरे उनके ऊपर सौर सैनी प्राकृत का गहरा प्रभाव पड़ा। तो सौर सैनी प्राकृत के बारे में भी इसके पहले मैंने बताया है कि प्राकृत का ही एक रूप है सौर सैनी प्राकृत, जिसमें जो मथुरा के आसपास की बोले जाने वाली ये भाषा थी। तो सौर सैनी धीरे धीरे उन पर सौर सैनी प्राकृत का भी उस पर प्रभाव पड़ता था जिससे अपभ्रंश का विस्तार हुआ। तो जो जो जातियां जो थी जो उत्तर पश्चिम के तरफ से आई और पश्चिम के क्षेत्र में बस गई उनके ऊपर सौर सैनी प्राकृत का प्रभाव पड़ा और वो जो भाषा बोलने लगे इस प्रभाव के बाद उसी को अपभ्रंश भाषा की संज्ञा दी गई। यह राजभाषा ही नहीं साहित्य भाषा और देश भाषा भी बन गई। इसका विस्तार इस तरीके से हुआ कि आगे चलकर के ये राजभाषा ही नहीं ये साहित्य में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। 7वीं सदी से 11वीं सदी के मध्य यह साहित्यिक भाषा के रूप में आसीन रही। 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के मध्य में ये साहित्यिक भाषा के रूप में ये विद्यमान रही। अब आगे हम लोग देखेंगे अध्ययन के स्रोत। इसके पहले एक बार और मैं आपको बता देना चाहती हूँ अपभ्रंश के बारे में ताकि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। अपभ्रंश जो थी वो भ्रष्ट भाषा कहलाती थी, उसका शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट भाषा। तो जो प्राचीन काल के जो भाषाविद थे या भाषा शास्त्री थे उनका मानना था कि वैसी भाषा जो संस्कृत के मानक शब्दों से विचलित हो गई हो, भ्रष्ट हो गई हो, उसे ही भ्रष्ट भाषा या अपभ्रंश कहते हैं। और एक मान्यता ये भी थी कि जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से जो लोग भारत में प्रवेश किए थे और पश्चिम के क्षेत्रों में भारत के पश्चिम में जो लोग बस गए थे जैसे उसमें प्रमुख जातियाँ थी गुर्जर, अमीर और जाट, इनकी भाषाओं को अपभ्रंश कहा जाता था और इन कालांतर में इनके ऊपर सौर सैनी प्राकृत का भी प्रभाव पड़ा और ये भाषा और भी निखर के आई। और इस भाषा का इतना अधिक प्रसार हुआ, इतना अधिक विस्तार हुआ कि आगे चल के ये राजभाषा भी बनी और इसी को ही ये इनका इस्तेमाल साहित्य में भी हुआ। तो चलिए देखते हैं कि अध्ययन के स्रोत कौन कौन से थे। तो अपभ्रंश की पहचान के लिए अध्ययन के स्रोत, ऐसे कौन कौन से अध्ययन स्रोत की प्राप्त हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि अपभ्रंश का इस्तेमाल किया जा रहा था, प्रयोग हो रहा था। तो कुछ शिलालेख है उसमें अपभ्रंश का उल्लेख मिलता है। कुछ साहित्यिक रचनाओं में भी अपभ्रंश के बारे में पता चलता है कि हाँ इसमें अपभ्रंश को माध्यम बनाया गया था साहित्य का।
आठवीं सदी में सिद्ध साहित्य में विकास, तो आठवीं सदी में सिद्ध साहित्य के विकास में भी अपभ्रंश का प्रयोग किया गया। बौद्ध जैन रासो साहित्य में भी इसका प्रयोग दिखता है, जैसे उदाहरण स्वरूप महापुराण, जसहर चरियु, नायक कुमार चरियु इत्यादि जो साहित्य है इसमें भी अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है। जिन दत्त ने कहा है, जिन दत्त कहा भविष्यत कहा पाहुड़ दोहा, इन सभी में भी साहित्य, इन सभी साहित्यों में भी अपभ्रंश का प्रयोग किया गया। कालिदास के नाटक में निम्न वर्ग के पात्रों के लिए अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया। कालिदास के जो नाटक थे उसमें जो निम्न भाषा, निम्न वर्ग के जो लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जा रही थी वो भी अपभ्रंश के रूप में ही सामने आई थी। भाषा संबंधित विशेषताओं के बारे में हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले स्वर के बारे में देखते हैं कि स्वर का प्रयोग कैसे किया गया अपभ्रंश में। तो ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर लगाए जाते थे, अ ई उ ए ओ, अ ह्रस्व ई, ह्रस्व उ ए ओ, इसका प्रयोग हो रहा था ह्रस्व स्वर में। और दीर्घ स्वर में भी आ ई उ ए ओ का प्रयोग हो रहा था। ए और औ का पाली भाषा में ही लोप हो गया था, पाली भाषा में ही आई और औ का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता था। अपभ्रंश के शब्दों में ए और औ आपको प्राप्त नहीं में होंगे, री का प्रयोग नहीं मिलता है। जो री है जिसे आज हम लोग ऋषि लिखते हैं, तो री का प्रयोग इसमें नहीं मिलता था, इसके जगह पर ये री का, ऐसे ये वाला री का इस्तेमाल किया जाता था जो यहाँ है, इसका उच्चारण री से होता था। तत्सम का प्रयोग चलता रहा, जो संस्कृत से जो निकली हुई शब्द थी उसका प्रयोग चलता रहा, लेकिन उसका प्रयोग उसमें कुछ रूपांतरण करके हुआ था। जैसे अ ई उ ए का प्रयोग होने लगा था, और जैसे कृष्ण, कृष्ण अगर लिखना हो तो उसको कर्ण लिखते थे, इसमें अ की मात्रा आ गई थी। मृत्यु मितु, और ऋण को ऋण, यहाँ ई की मात्रा लगी, तो इस प्रकार से इस शब्द का प्रयोग होता था। उकार बहुल भाषा थी ये, जैसे जैसे में जैसे मन, मन को मनु पढ़ा जाता था, कारण को कारणु, जानो को जानहु, ऐसे करके इस तरह के शब्द इसमें मिलते हैं। उकार बहुल भाषा के रूप में इसका विकास हुआ, उकारांत बहुल शब्द मिलते हैं, जैसे मन से मनु, चल से चलु, अंग से अंगु, कारण से कारणों, ऐसे इस प्रकार से। अनुनासिकता के संबंध में तीन तरह की प्रवृत्तियां मिलती हैं ये अपभ्रंश में। अनुनासिकता के संबंध में तीन प्रकार की प्रवृत्तियां, अब किस तरीके से अनुनासिकता का प्रयोग किया गया था अनुस्वार का, तो वो देखते हैं। कहीं कहीं पर स्वरों के अनुनासिक रूप विकसित हो गए थे, स्वर के जो अनुनासिक रूप है वो विकसित हो गए थे। किस प्रकार से हुए थे, जैसे चल ही, चल ही को चल ही लिखते थे, ऊपर यहाँ अनुस्वार आ गया था। पक्षी को पंखी, यहाँ अनुस्वार हो गया पंखी, पक्षी को पंखी, ऐसे लिखते थे। तो इस प्रकार से स्वरों के अनुनासिक रूप विकसित हो गए थे। कुछ अनुनासिक शब्द अनुनासिकता रहित हो गए थे, जैसे सिंह, सिंह में तो अनुस्वार लगता है लेकिन यहाँ सिंह में अनुस्वार का लोप हो गया था और उसको सिंह ऐसे लिखा जाता था, जैसे सिंह से सिंह, यहाँ अनुस्वार का लोप हो गया है तो सिंह। विंशति, तो इसको विश लिखा जाता था, इस प्रकार से जहाँ अनुनासिक शब्द होते हुए भी वहां अनुनासिकता रहित शब्द का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं अकारण अनुनासिक, जिस जगह अनुनासिक नहीं लगता था वहां भी अकारण अनुनासिक लगना शुरू हो गया, जैसे अश्रु, यहाँ अनुस्वार नहीं लगता है तो अंशु, अंशु ऐसे इसको लिखते थे, अंशु। वक्र, तो यहाँ पे अनुस्वार का कोई अर्थ नहीं है लेकिन इसको वंक, वंक शब्द का प्रयोग किया गया इस जगह पे। तो इस प्रकार हम लोग अनुनासिक से संबंधित तीन रूपों को देखें। फिर आगे हम लोग देखते हैं स्वर भक्ति, यहाँ स्वर भक्ति देखा गया, जैसे प्रदेश, प्रदेश है तो परदेश, क्रिया को क्रिया, तो इस प्रकार देखते हैं कि स्वर भक्ति यहाँ दिखाई दे रही है। फिर आगे हम लोग देखते हैं स्वर का लोप, स्वर का लोप होने लगा था, चाहे वो स्वर पहले शब्द के पहले लगा हो या शब्द के बाद लगा हो उसका भी लोप होना प्रारंभ हो गया था। जैसे अरण्य, अरण्य में अ का लोप हो गया, सिर्फ रण पढ़ा गया उसको लिखा गया। लज्जा, तो इस जगह पे लाज हो गया,
तो यहाँ अंतिम में जो स्वर है उसकी उसका उसको हटाया गया और यहाँ प्रथम में जो स्वर है उसको हटाया गया। अरण्य को रण और लज्जा को लाज। इसी प्रकार से व्यंजनों का कैसे प्रयोग होता है वो देखते हैं। तो व्यंजन माला में अंग य न तलाबे श और मूर्धन्य स इसका अभाव हो गया, इसका इस्तेमाल इसका प्रयोग नहीं किया जाता था, इसमें अपभ्रंश में इसका प्रयोग नहीं होता था। अब देखते हैं कि ट वर्ग प्रधान भाषा थी या ट की बहुलता थी, इसमें ट वर्ग प्रधान भाषा थी। ट वर्ग में जितने भी शब्द आ ट ठ ड ढ ऐसे उसी उस वर्ग की प्रधान ये इस भाषाओं में इसका प्रयोग ज्यादा किया गया था। अंत्य व्यंजन लुप्त भाषा, जो अंतिम में जो व्यंजन है उस उसकी लो इस भाषा में उसका लोप होने लगा था। जैसे जगत, जगत में जो अंत में जो शब्दों के अंत शब्द के अंत में जो त लगा हुआ है इसका लोप हो गया। अब इसको क्या इसका क्या निकला, ये कैसे शब्द बना, ये तो ये बना जग, जगत को में त का लोप हो गया और ये हो गया जग। महान में न का लोप हुआ, ये हो गया महा। तो चलिए देखते हैं संयुक्त व्यंजन समाप्त। जैसे संयुक्त व्यंजन य र ल व है तो वो समाप्त हो गया। जैसे चक्र, तो चक किसको बोलेंगे, धर्म धम कर्म कम, इस तरीके से इसका प्रयोग शुरू हो गया। तत्सम तद्भव देशज विदेशज सभी प्रकार के शब्द मिलते हैं। अपभ्रंश में तत्सम तद्भव देशज विदेशज सभी प्रकार के शब्द मिलते हैं, लेकिन जो तत्सम तद्भव की संख्या थी, तद्भव की संख्या सर्वाधिक इसका प्रयोग होने लगा, तद्भव की संख्या सर्वाधिक थी। तुर्कों के आगमन से विदेशी शब्दों के प्रयोग होने लगे थे। तुर्क का आगमन इस समय तक हो चुका था और इस कारण से विदेशी शब्द जो थे उसके प्रयोग ज्यादा होने लगे थे। और एक और प्रमुख विशेषता इसमें देखी गई है वो है दो ही वचन। इसमें दो ही वचन, एक वचन और दूसरा बहुवचन का ही प्रयोग होता था, द्विवचन का प्रयोग इसमें होना बंद हो गया था। जैसे जैसे द्विवचन लुप्त हो गया और इसके लिए द्वि शब्द का प्रयोग होने लगा। द्विवचन का लोप हो गया और द्वि शब्द इसका प्रयोग, जैसे जैसे द्वि धनु इसका उदाहरण है, द्वि धनु। तो द्विवचन का लोप होने के बाद अगर दो का प्रयोग किया जाता था तो उसके लिए द्वि शब्द का प्रयोग होता था। अब निष्कर्ष पे हम लोग आते हैं। इस प्रकार अपनी पृथक भाषाई पहचान के साथ अपभ्रंश समकालीन सामाजिक राजनीतिक धार्मिक अनुभवों को व्यक्त करती है। तो चलिए एक बार और इसकी विशेषताओं को शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। जैसे स्वर में जो परिवर्तन हुआ, तो ह्रस्व स्वर में अ ई उ ए ओ का प्रयोग होता था, आ ई उ ए ओ का भी प्रयोग होता था, लेकिन ए और ओ का प्रयोग तो पाली भाषा में ही समाप्त हो गया था। री का प्रयोग नहीं होता था, उसके जगह पे इस प्रकार के री का प्रयोग होता था, इसका प्रयोग इसके इनके अपभ्रंश के शब्दों में होता था। तत्सम का प्रयोग चलता रहा, तत्सम का प्रयोग जारी रहा, लेकिन उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत रूपांतरण हुआ था। जैसे अ ई उ ए का प्रयोग होने लगा था। अब जैसे कृष्ण को कण्हा लिखते थे, मृत्यु को मितु बोला जाता था, मितु का प्रयोग होता था, ऋण की जगह ऋण का प्रयोग होता था। तो चलिए ये जो इसकी एक और विशेषता जो थी जो बहुत प्रमुख थी, उकार बहुल भाषा थी। जैसे जान ये जानो को जानू, फिर अंगो अंगू, अंगू को अंगू, चल को चलू, मन को मनु, तो मनु जो है चलू अंगू, ये सब उकार बहुल भाषा है। तो इसका प्रयोग उकार की बहुलता थी इस भाषा में। अनुनासिकता के संबंध में तीन प्रकार की प्रवृत्तियां थी। एक तो स्वर को स्वर के अनुनासिक रूप विकसित हो गए थे। दूसरा था कि अनुनासिक शब्द होते हुए भी उसको अनुनासिक का प्रयोग, जैसे सिंह, तो सिंह को सिंह बोला, सिंह का प्रयोग होता था। अकार अनुनासिक, जहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग ना हो नहीं होना चाहिए, जैसे अश्रु, तो उसको भी अनुनासिक का प्रयोग के साथ अंशु इस भाषा में लाया गया। अब चलते हैं स्वर की भक्ति, देखा गया जैसे प्रदेश को परदेश बोला गया और क्रिया को क्रिया, फिर स्वर का लोप भी देखा गया इसमें। अरण्य को में रण ही केवल इसका संबोधन होता था, अरण्य का और अ को हटा दिया गया तो स्वर का लोप हो गया। लज्जा में भी अ की अ स्वर जो है उसको हटाया गया और लाज ही सिर्फ लाज शब्द का ही प्रयोग रहा। व्यंजन माला में भी अंग य न श तलाबे श और मूर्धन्य श का अभाव था, ट वर्ग बहुल भाषा थी।
अंत्य व्यंजन लुप्त भाषा, अंत में जो व्यंजन है जैसे महान में न का लोप हो गया, महा इसको संबोधित किया गया। इसी प्रकार के दो ही वचन मिलते हैं, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज होते हुए भी तद्भव की संख्या ज्यादा है और विदेशी प्रभाव भी देखेगा और इसमें कुछ विदेशी शब्द भी जोड़े गए। फिर इसके निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार अपनी पृथक भाषाई पहचान को के साथ अपभ्रंश जो थी वो समकालीन सामाजिक राजनीतिक धार्मिक अनुभवों को व्यक्त करती है। इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोगों को अपभ्रंश समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं कोई डाउट हो या फिर आपको याद नहीं हो पाया हो तो आप इसको एक दो बार रिपीट करके भी देख लेंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप कोशिश करते रहिए, तो आपको अगले वीडियो के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।